हेलो फ्रेंड्स, रस्तोगीस कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत टेस्टी और हेल्दी एक सब्जी बताने वाली हूँ, जो है कटहल की जैक फ्रूट की सब्जी। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। ये फुल ऑफ फाइबर्स है, डायबिटिक लोगों के लिए भी अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसकी सब्जी। ये मैंने आधा किलो कटहल लिया है, जिसका मैंने स्किन हटा लिया, ग्रीन कलर का जो स्किन होता है वो उसका हटा लिया है ऊपर से। और हम इसको कट करेंगे, हम नाइफ पे ये ऑयल लगाएंगे। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप आपका कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये इसलिए लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये स्टिकी होता है, और जिससे हमारे हाथ ना चिपके और कटहल भी इजीली कट जाए। इसको हम छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। अब हम इसको बारीक बारीक कट करेंगे। पहले इसका जो ऊपर से हमने ये एक्स्ट्रा पार्ट जो वेस्ट है वो निकाल लिया है। आप देख सकते हैं किस तरह से हम इसे कट कर रहे हैं। आप इसे करी में भी बना सकते हैं ग्रेवी के साथ, बट आज मैं इसे विदाउट ऑनियन विदाउट गार्लिक बना रही हूँ। ड्राई जैक फ्रूट की सब्जी, कटहल की सब्जी, कहीं पर फनस भी बोलते हैं इसे। ये इसका बीज है, इसके अंदर बीज होते हैं सीड्स, इसे भी हम सब्जी में यूज़ करेंगे। बीच में से कट करके इसकी स्किन निकाल देंगे और जो अंदर का पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे। इसी तरह से हम सारा कटहल को कट कर लेंगे। अब हम एक बर्तन में डाल के इसे वॉश कर लेंगे। अब वॉश करके इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे हम। और बहुत सिंपल हम इसे बना रहे हैं, बहुत कम मसालों के साथ। इसमें डालेंगे हम जीरा, क्यूमिन सीड्स 1 टीस्पून, थोड़ा सा हींग, 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये है मस्टर्ड ऑयल, 2 टेबलस्पून में मस्टर्ड ऑयल इसमें यूज़ करूँगी। अब मस्टर्ड ऑयल को हम अच्छे से गर्म करने देंगे। आप चाहें तो आपका जो कुकिंग ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। थोड़ा सा डालेंगे क्यूमिन सीड्स और हींग, बाकी सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे, हल्दी, धनिया, मिर्च। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें ताकि मसाले जले ना। अच्छे से भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे कटहल जो हमने कट करके रखा हुआ है। फ्लेम हम लो रखेंगे, लो पर ही हम इसको कुक करेंगे जैक फ्रूट को। सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करेंगे सॉल्ट, नमक आपके स्वाद के अनुसार। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे अच्छे से। और हम सब्जी को लो फ्लेम पर ही कुक करेंगे। अच्छे से मिक्स हो गए हैं सारे मसाले इसमें। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जो हमने स्पून लिए ये 2 चम्मच हम पानी डालेंगे। इसको हम अब कवर करके रख देंगे लो फ्लेम पर 10 मिनट्स के लिए। देखेंगे, इसे चेक करेंगे हम 6 से 7 मिनट के बाद। हमारी सब्जी ऑलमोस्ट तैयार है। एक बार हम इसे चेक करेंगे, इसका जो बीज होता है सीड उसको चेक करेंगे, वो गल गया है क्या, सॉफ्ट हो गया है, थोड़ा सा कम है अभी। 2 से 3 मिनट हम और रखेंगे ढककर इसको। हमारी कटहल की सब्जी एकदम रेडी है। 10 से 11 मिनट लगे हैं इसे लो फ्लेम पर। अब ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, हरी मिर्च आपके स्वाद के अकॉर्डिंग, आप खाते हैं तो ऐड कीजिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला। अब हम सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस को बंद कर देंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये समर सीजन की सब्जी है, सीजनल सब्जी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। खाने में बहुत अच्छी लगती है और बहुत अच्छे से इसके हेल्थ बेनिफिट भी हैं। फुल ऑफ फाइबर्स है, कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छी है, डायबिटिक लोगों के लिए अच्छी है, ब्लड प्रेशर में भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप इस सीज़न में इसको ज़रूर बनाएं और कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं आपको ये सब्जी कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।